नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्र में क्या करना है सही, किन चीज़ों की है मनाही। दोस्तों, नवरात्र का प्रथम दिन घरों में भक्त माता की चौकी और घट स्थापना करेंगे। वैसे तो माँ की पूजा अर्चना के लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। परंतु ये 9 दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दिनों जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव के साथ व्रत और पूजन करता है, माँ उनसे प्रसन्न होकर हर मनोकामना को पूर्ण करती है। लेकिन इन 9 दिनों में कुछ खास बातों का ध्यान में रखना भी आवश्यक है। वही कुछ कार्यों को करने से माँ रुष्ट हो सकती है, इसीलिए ये पता होना कि नवरात्र में क्या करना है सही और किन चीज़ों की होती है मनाही। तो आइए जानते हैं नवरात्र में क्या करें और क्या ना करें। नवरात्र के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ की आराधना करनी चाहिए। इससे आप पूरी तरह से अपने मन पूजा में लगा पाएंगे, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है। नवरात्र में देर तक नहीं सोना चाहिए। नवरात्र में माँ को प्रतिदिन उनकी पसंद का भोग और पुष्प अर्पित करना चाहिए। विधि विधान से पूजन करने के साथ हो सके तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इन 9 दिनों में सप्तशती, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। अगर आपने अपने घर में माँ की चौकी लगाई है, घट स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, तो घर को कभी भी अकेला ना छोड़े। ज्योति का पूर्ण संरक्षण करें। ध्यान रखें कि ज्योति पूरे 9 दिनों तक बुझनी नहीं चाहिए। माता की भक्ति में दिन व्यतीत करना चाहिए। ध्यान रहे कि सप्तशती का पाठ एकाग्रता के साथ करना चाहिए। पाठ करते समय बीच में उठना नहीं चाहिए, न ही किसी से बात करनी चाहिए। इसके अलावा सप्तशती की पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ करने से उसका फल आधा हो जाता है, इसीलिए पीठिका पर ही रखकर माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए। इस समय माँ की चौकी के पास ही बिस्तर लगाकर भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रती को कुर्सी या फिर पलंग पर नहीं बैठना चाहिए। नवरात्रि में दिन के समय सोना वर्जित माना गया है। नवरात्रि के दिनों में सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है। इन 9 दिनों में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए नवरात्रि में स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं, उन्हें भूलकर भी किसी दूसरे का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके ही पूजन करना चाहिए। व्रत करने वालों को चमड़े से बनी चीज़ें जैसे कि बेल्ट, पर्स और जूते चप्पलों आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में दाढ़ी, मूछ और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, न ही नाखून काटने चाहिए। ना ही इन दिनों में क्रोध करना चाहिए, न ही निंदा करनी चाहिए। सारे दिन माता रानी का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। इन दिनों में किसी की निंदा, चुगली, क्रोध आदि भी नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ माता रानी का ही ध्यान दिन भर रखना चाहिए अपने मन में। इससे माता रानी अति प्रसन्न होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूरी करेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।